बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। अपने दोस्तों को अपने हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरी बहनों के लिए खास तौर पे मेरी आज की वीडियो है। आज की वीडियो में मैं अपनी बहनों को बताना चाहूंगी कि मेरी वो वाली बहनें जिनको दौरान अय्याम जो है वो पेन बहुत ज्यादा होती है, या कि उनके जो मतलब उनके पीरियड्स हैं वो काफी 6 या 7 माह से रुके हुए हैं, या 1-2 माह के रुकने के बाद आते हैं, दरमियान में वक्फा पड़ जाता है, या सिर्फ आते ही नहीं ब्राय नाम आते हैं, ऐसी बहुत सी वजूहत हैं। आज की वीडियो जो है सिर्फ खवातीन बहनों के लिए है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की वीडियो का जो मैं नुस्खा है बहुत ही सिंपल है। सिंपल है और इसको आप आराम से घर में तैयार करके अपनी इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। तो आपसे डिस्कस करूंगी बाद में, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी पहले कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आप मेरे तमाम हेल्थ से और ब्यूटी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्यारी बहनों, अगर ऐसा कर लिया है तो मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि अय्याम के दौरानिये में आपने जो आपको वजूहत हैं, इनमें आपकी जिस वजह से आपको अय्याम के दौरान दर्द होती है, इनमें आपकी यूट्रस की सोजिश भी हो सकती है, या के आपके लिए इसमें आपको दर्द का बायस जो आपके लिए बनती है, और आप जब खून की कमी भी, इसमें खून की कमी का उतार चढ़ाव भी हो जाता है, हार्मोन्स जो है हार्मोन्स का उतार चढ़ाव भी होता है। तो दोस्तों, आप अगर ये महसूस करें कि 3 माह से आपके पीरियड्स जो हैं वो रुके हुए हैं, तो यकीनन आपको रब्ता करना चाहिए, अपने किसी अच्छे डॉक्टर के साथ आप रब्ता करें और जरूर डिस्कस करें उनके साथ। और इसके अलावा जो मैं आपको बता रही हूँ आज का टोटका बताऊंगी, उसको यूज कीजिए। यानी अगर आपको दर्द है तो दर्द के दौरान आप पानी से परहेज करें, इसको मैं आपको बताऊंगी। पानी में बिल्कुल आओ, शावर तो आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना दौराने पीरियड्स। बहुत सी बहनें जो है वो शावर यूज करती हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो वेन्स हैं उनके अंदर का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा नर्वस पड़ जाता है और उन्हें दर्द का एहसास होता है। और शावर यूज मत कीजिए, और साथ पानी से या ज्यादा वजन वाले काम से भी आप परहेज कीजिए। इस तरह से जो यूट्रस है उसमें सोजिश पैदा हो जाती है, जो कि यूट्रस की सोजिश जो है ये जो शादीशुदा बहनें हैं उनके लिए औलाद की महरूमी भी पैदा कर देती है। तो खुदारा अगर आपको थोड़ी सी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से जरूर रुजू कीजिए। घर के जो है आज का टोटका जो है वो आपके लिए बहुत मौसर है, उन बहनों के लिए जिनके जो अय्याम जो है वो रुके हैं और दौरान अय्याम दर्द फील करती हैं। तो बताऊंगी मैं आपको कि आपने करना क्या है। आपने लेनी है जनाब, पीरियड्स के दौरान दर्द का नुस्खा ये है कि आपने सौंफ ले लेनी है 10 ग्राम, और साथ में आपने इसी तरह हल्दी ले लेनी है 10 ग्राम, और मुलठी का पाउडर बना लीजिए। मुलठी पाउडर यूज करना है, हल्दी पाउडर यूज करना है, और सौंफ पाउडर यूज करना है। इसको लेना है आपने 10-10 ग्राम। 10-10 ग्राम लेके आपने इसको एक जार के अंदर बंद करके रख लेना है, और जब आपके पीरियड्स की डेट हो उससे तकरीबन 8 दिन पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। जब मेरी बहनें 8 दिन पहले उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगी तो इंशाल्लाह ताला आपके जो अय्याम हैं वो आपके बिल्कुल दुरुस्त आएंगे, और साथ ही आपको किसी किस्म की पेन जो है वो बिल्कुल फील नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला आपको ये इस्तेमाल करने के बाद पता चलेगा कि ये आपके लिए किस कदर मौसर साबित हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का मेरा ये जो नुस्खा है पीरियड्स के दौरान पेनफुल है, जो आपके लिए परेशानी का बायस बनती है, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। कल मिलूंगी अपने दोस्तों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।